आज की मूवी आपको नॉस्टैल्जिक फील कराएगी, बहुत सारी यादें ताजा करेगी, शायद फर्स्ट लव की याद दिलाए। मैंने मूवी को देखा तो मेरा दिन बन गया था, इतनी ब्यूटीफुल है। आज कुछ नया, फर्स्ट टाइम हम इस चैनल पर एनिमी एक्सप्लेन करेंगे। आज की हमारी मूवी का नाम फ्लेवर्स ऑफ यूथ, ये 2018 की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनिमी है। इसमें तीन स्टोरीज है जो हमें लाइफ के बारे में कुछ अलग अलग चीजें सिखा कर जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नाउ होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होने के बाद हमारी फर्स्ट स्टोरी आती है, जिसका नाम है शेंजान नूडल्स। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जेम्स, एक बड़ी सिटी से यानी बीजिंग से अपने आप घर जा रहा था। एयरपोर्ट पर उसे सब कुछ यादें याद आती है। वो हमसे कहता है किसी कोल्ड सूप की तरह इस सिटी ने उसके सोल को बर्बाद कर दिया है। आसपास के लोग भी उसी तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उसे लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ चीजें पीछे छूट चुकी है। अब जब वो घर जा रहा है तो शायद वो टेस्ट वापस आएगी। उसे शेंजान नूडल्स की याद आती है। हमें फिर शेंजान नूडल्स दिखाई जाती है जो उसके बचपन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। उसके मदर फादर उसके साथ नहीं थे। एक छोटे से गांव में वो अपनी दादी के साथ रहा करता था। यहाँ सब लोग अपनी फार्मिंग में बहुत सारी मेहनत करते थे। सुबह सुबह एक नूडल्स के प्लेस पर जाकर सबका ब्रेकफास्ट होता था। इन्हीं नूडल्स के साथ जेम्स की चाइल्डहुड मेमोरी जुड़ी हुई है। बचपन में वो अपने फ्रेंड्स के साथ मार्बल खेलता था। शेंजान नूडल्स का बाउल लेकर उसकी दादी उसके पास आती थी। साथ में एक साथ हर दिन ये इन्हीं नूडल्स का ब्रेकफास्ट करते थे। जेम्स को इन नूडल्स की टेस्ट अभी भी याद है। आइस की बनी हुई ट्रांसपेरेंट नूडल्स, उसमें बहुत सारे मशरूम्स, थिक सूप, ये सब बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। सब फ्लेवर्स एक दूसरे में घुल मिल जाते थे। वो कहता है इन नूडल्स के पीछे बहुत सारी मेहनत लगती थी। जिस छोटे से रेस्टोरेंट से आती थी वहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ ये दोनों ही काम करते थे। बाकी लोग रेडीमेड नूडल्स यूज करते हैं, पर हमेशा ये अपने हाथ से बनाते थे। सब इंग्रेडिएंट्स को फ्रेशली काटते थे। हर सुबह शॉप के बाहर हमेशा लाइन होती थी। बाद में जेम्स को पता चला कि वो शेफ एक्चुअल में एक बड़ा शेफ था। वो फिर से अपने गाँव आकर लोगों को सर्व कर रहा था। जो भी उसका फूड है इसमें प्यार झलकता है। उसकी ग्रैंडमा उसे कहा करती थी, अगर तुम्हें अच्छा खाना पसंद है तुम्हें वैसा ही मिलेगा। एक दिन अचानक से रेस्टोरेंट बंद पड़ गया। शायद किसी को जेलसी हो के या उस शेफ के सिटी के बॉस ने उसे वापस बुला लिया था। इसके पीछे का रीजन किसी को भी पता नहीं था, पर सब लोग उन नूडल्स को बहुत ही मिस करते थे। जेम्स कहता है कि वो दोनों कहीं भी होंगे हमेशा लोगों को अच्छा सा सर्व करेंगे, वो लोग लकी होंगे। इसके बाद अगली मेमोरी जो उसे आती है ये उसके हाई स्कूल की है। उसके हाई स्कूल के पास और एक नूडल शॉप था। ये शॉप रेडीमेड नूडल्स यूज करता था पर फिर भी बहुत ही टेस्टी था। नूडल्स के ऊपर की टॉपिंग ये हाई फ्लेम में वो बनाया करते थे, जिससे बहुत ही बेस्ट टेस्ट आती थी। जो लेडी इस नूडल्स को बनाती थी उसका बेटा भी उसी स्कूल में जाता था जहाँ पर जेम्स जाता है। जेम्स से उसकी जान पहचान थी, ये सब बातें उसने उसे कही थी। जेम्स को यहाँ के नूडल्स पसंद आते थे, पर यहाँ आने का रीजन उसका कुछ अलग था। एक लड़की इस शॉप से होकर आगे स्कूल में जाया करती थी। ये जेम्स की सीनियर थी, पर जब वो धूप में जाती थी तो उसके बाल लहराना, गोल्डन दिखना, ये सब जेम्स को बहुत ही लुभाता था। उसने उससे कभी भी बात नहीं की, पर हर रोज उसे देखने के लिए वो यहाँ आया करता था। ये सीन देखने के बाद बॉलीवुड का गाना याद आता है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में उसका घर, कल सुबह देखा तो बाल बनाती हो खिड़की में आई नजर। वो जब यहाँ से गुजरती थी तो जेम्स को लगता था कि सब चीजें हमेशा ऐसी ही चलेगी। एक दिन वो फिर से अपने नूडल शॉप पर आया तो बदल चुका था। नूडल के लेडी को उसके हस्बैंड ने समझाया और उन्होंने फिश शॉप डाल दी थी। न्यू शॉप तो आ गया था पर जेम्स को लेडी खुश नहीं लगी। एक दिन स्कूल में एक स्टूडेंट को बहुत मारा गया था। उस नूडल लेडी का ही ये बेटा था। उस लेडी के बहुत सारे होप्स थे कि उसका बेटा सही से सीखेगा और अच्छी सी जॉब लेगा, पर ऐसा अब कुछ भी नहीं हो सकता। वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। इसके बाद और भी कुछ दिन चले गए और ये नूडल शॉप फिर से ओपन हुआ। नूडल लेडी का बेटा भी अब शॉप में काम कर रहा था। ये एज अ फैमिली तीनों बहुत ही खुश थे। जब जेम्स बड़ा हो गया वो सिटी में काम करता था। हमेशा उसे बचपन में अपनी ग्रैंड माँ की, उस नूडल लेडी की, सबकी मेमोरीज आती रहती थी। कहता है कि मैं आज भी नूडल्स खाता हूँ पर अकेला ही। जिस कमर्शियल नूडल शॉप में नूडल्स खाता है वहाँ के नूडल्स पर उतनी ज्यादा टॉपिंग नहीं मिलती। उसका टेस्ट तो ठीक ठाक है पर बचपन जैसा मजा नहीं आता। अब फिर से प्रेजेंट में जेम्स फ्लाइट लेकर अपने घर पर आ गया, क्योंकि उसकी दादी बीमार थी।
उसकी दादी कहती है कि शायद हम दोनों मिलकर फिर से कभी शैनचैन नूडल्स खा ना सके। ये सुनकर जेम्स के आंखों में आंसू आ गए। अपने दादी की गुजर जाने के बाद कुछ दिन वो यही रुका। एक दिन जेम्स वॉक पर निकला, उसकी पुराने स्कूल, पुराना गांव सब कुछ देखा। स्कूल के पास नूडल शॉप आज भी वैसे का वैसा ही था। नूडल लेडी अपनी फैमिली के साथ सब लोगों को सर्व करती थी। ये पूरी फैमिली खुश थी। कुछ चीजें कभी भी नहीं बदलती। वो फिर से वहां बैठकर उस लड़की को याद करता है। यहाँ उसने रियलाइज किया कि लाइफ में चीजें कितने भी हार्ड क्यों ना हो जाए, पर फिर भी एक आशा की किरण तो आने ही वाली है। अपनी लाइफ को लेकर वो बहुत ही दुखी था, पर वो होपफुल है कि कभी ना कभी तो उसे खुशी मिलेगी ही। इस स्टोरी का यही मैसेज था। पास में हमारी बहुत सारी यादें थी, शायद आजकल जिंदगी उतनी सही नहीं चल रही, पर हमेशा हमें होप है कि जिंदगी अच्छी होगी, और वो हो भी जाती है। पर्सनली मेरे कुछ दिन बहुत ही खराब होते हैं, पर फ्यूचर के लिए हमेशा मैं होपफुल होता हूँ। इसी होप की वजह से मुझे बहुत ही अच्छी सी दुनिया नजर आती है, अच्छे दिन मिल जाते हैं। इस स्टोरी का यही मैसेज था। इसके बाद हम अगली स्टोरी पर बढ़ेंगे। इसका नाम है लिटिल फैशन शो। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है क्रिस्टी। क्रिस्टी हमसे कहती है, मुझे बचपन से अच्छे अच्छे कपड़े पहनना बहुत ही अच्छा लगता था। उसकी सिस्टर का नाम है लिली, और वो लिली से हमेशा कपड़े एक्सचेंज कर लेती थी। बाद में वो बहुत ही ज्यादा टॉल हो गए तो ये कर नहीं पाई। क्रिस्टी को लगता था कि उसका टॉल होना ये कोई सही चीज नहीं है, पर उसी वजह से उसे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। वो बहुत ही अच्छी मॉडल बन गई। अलग अलग कपड़े पहनना उसे अच्छा लगता था, तो यही अपनी पूरी लाइफ तक वो करती रहेगी। वो बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करती थी, और बाद में उसने रियलाइज किया कि हर मॉडल का एक दिन होता है। उन्हीं दिनों में वो ट्रेंडिंग में होती है, बाद में उसे कोई भी जॉब नहीं मिलता। ये फीलिंग उसके लिए बहुत ही हार्ड थी। एक शो के बाद एक जगह पर वो खड़ी थी, तो उसका एडिटर उसके पास आया। वो कहता है, आगे देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। जो भी चीजें उसे दिख रही थी ये उसने बता दी। एडिटर कहता है कि आज तुम जिस जगह पर हो वहाँ बहुत सारी लड़कियां पहुंचना चाहती है। क्रिस्टी कहती है, मैं इन सब बातों के मूड में नहीं हूँ, और वहां से चली जाती है। क्रिस्टी को पता नहीं था कि उसका नया एडिटर है। इस पर क्रिस्टी का मैनेजर उसे बहुत डांटता है। आज उसका बर्थडे था, तो उसकी सिस्टर लिली ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया था। इसमें हैंडमेड केक भी था। उसे टेक्स्ट कर जल्दी घर आने के लिए कहती है, पर क्रिस्टी आज आ नहीं पाएगी क्योंकि उसके ऑफिस में उसके लिए एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी हुई है। क्रिस्टी के पास उसका कलीग आया जिसे वो पसंद करती थी। वो चाहती थी कि ये दोनों कुछ टाइम स्पेंड करें, पर वो हमेशा उसे इग्नोर करता था। ये दोनों बात कर रहे थे तभी एक नई मॉडल जिसका नाम है सिंडी उनके पास पहुंचती है। वो क्रिस्टी से कहती है, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या तुम मुझे फ्यूचर के लिए कुछ टिप्स दे सकती हो। क्रिस्टी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सिंडी को बुला लिया गया तो वहां से चली गई। क्रिस्टी के कलीग को सिंडी बहुत ही पसंद आई थी। वो कहता है कि वो बहुत ही फ्रेश थी, मॉडल बनने के लिए जो भी चाहिए ये सब चीजें उसमें थी। इस बात से क्रिस्टी फ्रस्ट्रेटेड हो गए और उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया। वैसे उसका मैनेजर उसे घर लेकर आता है। लिली ने इतना सारा खाना बनाया था तो मैनेजर को बुरा लगता है कि सिंडी कुछ भी खाने की हालत में नहीं है। लिली कहती है कि मैं मेरी सिस्टर के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, अगर वो नहीं होती तो आज भी मैं यहाँ वहाँ रहा करती। एक्चुअल में इनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। ये दोनों अलग अलग रिलेटिव्स के पास रहते थे। क्रिस्टी जब मॉडल बन गए तो अपनी सिस्टर लिली का ख्याल रखती है। अगले दिन क्रिस्टी का शूट था, पर हैंगओवर थी तो इस वजह से उठ नहीं पाए। इस शो में क्रिस्टी की जगह जो न्यू मॉडल थी जिसका नाम था सिंडी, उसे उन्होंने ले लिया। ये चूज करने वाला भी क्रिस्टी का कलीग ही था। इस बात से क्रिस्टी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। अब थोड़े दिनों बाद फैशन शो आने वाला है, इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा मेहनत लेगी। उसकी सिस्टर लिली को कपड़े डिजाइन करना बहुत ही अच्छा लगता है। वो क्रिस्टी के लिए केयर करती है, तो कहती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लेनी चाहिए, अपने आप का भी तुम ख्याल रखा करो, आजकल तुम ज्यादा कुछ खाती भी नहीं। क्रिस्टी गुस्सा होकर कहती है कि तुम अपना अपना ख्याल रखो, मैं खुद का देख लूंगी। अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए क्रिस्टी बहुत ही ज्यादा मेहनत लेती थी, हमेशा जिम में जाती थी। उसने खाना पीना बहुत ही मिनिमम कर दिया था। अब फैशन शो का डे आया। इसमें क्रिस्टी और सिंडी एक दूसरे की कॉम्पिटिटर थी। क्रिस्टी ने खुद को बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट कर दिया था, तो अचानक से उसका सर दुखने लग गया। वो ऐसे ही रैंप पर गई तो चक्कर आने की वजह से नीचे गिर जाती है। अब उसे लगता है कि उसका करियर खत्म हो चुका है। वो जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उसके सपने में उसकी मदर आई। वो इन दोनों सिस्टर्स के लिए कपड़े डिजाइन कर रही थी। यही चीज अब लिली भी करती है। लिली चाहती है कि उसके डिजाइन किए हुए कपड़े अगर किसी को खुश करे तो वो भी खुश रहेगी। क्रिस्टी को अब लग रहा था कि उसका करियर ओवर है और कुछ अलग करना चाहती थी। वो लिली से कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह कपड़े डिजाइन करूंगी,
इस पर लिली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। क्रिस्टी का हमेशा से एक ही गोल था कि वो मॉडल बने और अपनी सिस्टर का ख्याल रखे। लिली अपने सिस्टर को अपने गोल से डेविएट होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। क्रिस्टी ने गुस्से में लिली से कहा था कि तुम्हें जो लाइफ मिली है ये सब मेरी वजह से मिली है। लिली को इस पर गुस्सा आ गया और वो अब स्कूल जाकर रह रही थी। इसके बाद क्रिस्टी अपने मैनेजर से मिलने के लिए आई। वो कहती है कि अब मैं जॉब छोड़ देने वाली हूँ। वो अपने सिस्टर को सपोर्ट करना चाहती है, इसलिए पैसे कमाएगी। उसका मैनेजर कहता है, तुम दोनों चीजें चाहती थी, मॉडल बनना और अपनी सिस्टर को सपोर्ट करना। तुम्हारा तो कोई हस्बैंड भी नहीं है जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम्हारा फ्यूचर ये बहुत ही ज्यादा अनसर्टन है। क्रिस्टी अपने मैनेजर पर भी गुस्सा हो गई। कहती है कि मेरी वजह से तुमने बहुत सारा पैसा कमाया है और मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। मैनेजर कहता है, इसी गुस्से की वजह से सब प्रॉब्लम हुआ है। अपनी सिस्टर को भी ऐसा ही कुछ तुमने बोल डाला होगा। ये जो तुम्हारा गुस्सा है ये तुम अपनी मॉडलिंग में दिखाओ। अगर मेहनत करोगी तो फिर से टॉप मॉडल बन सकती हो। क्रिस्टी भी अब इस चीज के लिए मान जाती है। उसके मैनेजर ने एक शो के लिए उसे आने के लिए कहा। अगले दिन क्रिस्टी के लिए लिली ने कुछ नोट छोड़ी थी। इसमें उसने वेस्ट टॉप लग किया था। क्रिस्टी फिर फैशन शो की जगह पर पहुंचती है। क्रिस्टी के मैनेजर और लिली ने मिलकर लिली के सब सर्कल को यहाँ बुलाया हुआ है। जो ब्यूटीफुल से क्लॉथ्स लिली डिजाइन करती है यही पहनकर अब क्रिस्टी को फैशन शो करना है। क्रिस्टी का यह शो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। अब उसे किसी के पास भी काम मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। इन दोनों सिस्टर ने मिलकर एक क्लोथिंग लाइन ही डेवलप की है, एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है। ये दोनों सक्सेसफुल हो गए। ये स्टोरी भी हमें बता कर जाती है कि कभी भी हमें हमारे ड्रीम से भागना नहीं चाहिए, उन्हें करेज के साथ परस्यू करना चाहिए। अब मूवी की अगली स्टोरी ये हमारी लव स्टोरी है। इसका नाम है शंघाई लव। मूवी स्टार्ट होती है और हम देख सकते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है रॉन एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। शिफ्टिंग में उसका फ्रेंड पॉल उसे हेल्प कर रहा था। उसे पछतावा आता है कि बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन था। उसने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि वो घर से चला जाएगा। अपनी बात से वो मुकर नहीं सकता था तो इसी वजह से अब वो शिफ्ट कर रहा है। एक्चुअल में काम पर उसे बहुत ही ज्यादा लोड था। जो डिजाइन उसे बनाने के लिए कही गई थी उसके बॉस को पसंद नहीं आई, उसे बहुत डांट पड़ी। जब वो घर पर आया तो उसकी मदर उसे इरिटेट कर रही थी। इसी वजह से गुस्से गुस्से में वो घर से निकल गया। उसकी नई बिल्डिंग से उसके ग्रैंडमा का घर दिखता है। उसका फ्रेंड पूछता है, क्या अभी भी तुम्हारी ग्रैंडपा वही रहती है? ये जगह देखकर उन्हें अपने बचपन की याद आती है। शिफ्टिंग के सब सामान अनपैक करते हुए रॉन को एक कैसेट मिली। उसे याद आया कि ये कैसेट तो सिया के पास थे जो उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। पॉल कहता है कि एक दिन मैं तुम्हारे घर आया था, तुम बहुत ही बिजी थे तो तुम्हारी मदर को मैंने दे दी थी। इसके बारे में रॉन को कुछ भी पता नहीं था। इस कैसेट का मैसेज उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर आजकल का जमाना डिजिटल का है, उसमें कैसेट प्लेयर उसे कहीं भी मिलने नहीं वाला। इसी कैसेट प्लेयर को ढूंढने के लिए वो हर जगह पर भागने लगता है। इसके बाद हमें उसका पास पता चलता है। रॉन, सिया और पॉल बेस्ट फ्रेंड्स थे, बचपन में हमेशा एक साथ ही रहते थे। सिया दिल की बहुत ही अच्छी थी। रॉन के ग्रैंडपा के लिए उसने चश्मा बनवाया था। ग्रैंड मदर को गार्डनिंग में हेल्प करती थी। रॉन, सिया और पॉल ये तीनों फ्रेंड्स मिलकर हमेशा गाने सुना करते थे। एक दिन ये ऐसे गाना सुन रहे थे तो पॉल सिया से बिस्किट मांगता है, पर बिस्किट सिया रॉन को देती है। इस पर पॉल ने कहा कि मुझे हमेशा से मालूम था कि तुम रॉन को पसंद करते हो। इस पर रॉन एम्बेरस हो गया, पर पॉल चिल्ला चिल्ला कर सारे घर में बता देता है। रॉन के ग्रैंडपा भी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। सिया जब घर जा रही थी तो अचानक से उसका पैर लचक गया। रॉन फिर उसे अपने कंधे पर उठाकर घर लेकर जाता है। वो कहती है कि शायद मैं कल स्कूल नहीं आऊंगी। उसने उसे एक कैसेट दी, कहा कल जो भी होगा इस कैसेट में रिकॉर्ड कर लेना, रिकॉर्ड करते हो कुछ फनी चीजें बोलना, यानी मैं बार बार सुन पाऊ। अगले दिन बेचारा रॉन ये रिकॉर्ड करते करते पकड़ा गया। ये कैसेट उसने सिया को दी। अगले दिन सिया फिर से उसे वापस करती है। कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया है जो घर जाकर तुम सुनना। इसके बाद इन दोनों की इसी तरीके से बातचीत शुरू हो गई। दोनों हमेशा कैसेट में मैसेज रिकॉर्ड कर सुना करते थे। सिया ने रॉन से पूछा कि आगे चलकर तुम्हें क्या करना है। रॉन कहता है, मुझे एक बिल्डिंग बनानी है जहाँ पर तुम, मैं और पॉल हम सब रह पाए। हम तीनों हमेशा सॉन्ग सुनेंगे, इसी तरीके से अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। एक दिन सिया रॉन और पॉल को बताती है कि उसे एक अलग स्कूल में जाना है। इसके लिए उसे एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी जो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। रॉन कहता है कि उस स्कूल तो बहुत ही दूर है। सिया ने कहा कि हमारी फैमिली को मूव करना पड़ेगा। सिया ये नहीं चाहती थी, उसके फादर ने उसे फोर्स किया तो इसी वजह से ये सब उसे करना पड़ रहा था। रॉन बहुत ही ज्यादा सैड था। जब अपनी फैमिली के साथ वो डिनर कर रहा था
तो उसके फादर पूछते हैं, ऐसा क्या हुआ? वो सब कुछ बता देता है। फादर कहते हैं, तुम्हें भी उसकी तरह पढ़ाई करनी चाहिए। रॉन एग्री करता है, कहता है मैं भी अब उसी स्कूल में जाऊंगा। फादर कहते हैं कि तुम्हारे लिए पॉसिबल है, तुम अगर सही से मेहनत करोगे तो 100% अचीव कर सकते हो। अगर तुम्हें एडमिशन मिल गए तो हम भी स्कूल के पास रहने के लिए चले जाएंगे। अब रॉन ने डिसाइड कर ही लिया था तो अब क्या था, उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत ली, किसी भी चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। वो पॉल और सिया से भी बहुत ही कम ही मिलता था। रॉन ने सिया को लास्ट टाइम कैसेट वापस कर दी थी। सिया अब रॉन से मिल नहीं पा रही थी तो यही कैसेट उसने पॉल को दी, कहा कि उसे जाकर देकर आओ। पॉल ही देने के लिए गया तो रॉन उससे मिलने नहीं वाला था, उसने रॉन की मदर को ये दे दी। मदर ने बात रॉन को बताई थी पर तब वो स्टडी कर रहा था तो उसका कॉन्सेंट्रेशन उसमें ही था, वो इस कैसेट के बारे में कम्प्लीटली भूल चुका था। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम हुए, जब रिजल्ट आया तो रॉन को एडमिशन मिल चुका था। वो बहुत खुश था, भागते भागते डायरेक्टली सिया के घर पर ही पहुंचा। सिया घर पर नहीं थी तो उसके नेबर ने कहा कि उसका एडमिशन नहीं हुआ, इसी वजह से उसके फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, उन्होंने उसे बहुत मारा, तो अब वो हॉस्पिटल में है। रॉन को बहुत बुरा लगता है कि सिया का एडमिशन नहीं हुआ, उसने जो भी चीजें की ये सिर्फ सिया के लिए की। जिस स्कूल में वो जाने वाला है उसके आसपास उसके पेरेंट्स को घर लेना पड़ता है। सब सामान लेकर जब वो जा रहे थे तभी ब्रिज पर उसे सिया देखी, वो उसे दूर से ही गुड बाय कर देती है। इसके बाद थोड़े साल गुजर गए, एक दिन रॉन सिया और पॉल उसे ग्रैंड माँ के यहाँ मिले थे। पहले बहुत बातें करते थे पर अब टाइम गुजर चुका तो एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में उन्हें पता नहीं है तो इस बार कुछ भी बात नहीं कर पाते। इस मूवी ने इस बात को बहुत ही अच्छे से पॉइंट आउट किया है। मैं खुद मेरे फ्रेंड को 4 साल बाद मिलने के लिए गया था तो हम दोनों में एक ऑकवर्डनेस थी, उस दिन मुझे बहुत ही बुरा लगा था पर बाद में मैं उससे फिर से मिला तब हम दोनों बहुत ही फ्री थे, दिन भर हमने सिर्फ बातें की थी। सो लुक एट द ब्राइट साइड, सब कुछ ठीक भी हो जाता है। फिर से हम मूवी की तरफ बढ़ते हैं। इस डिनर के बाद सिया रॉन के पास आकर बैठी है, उसने नोटिस किया कि रॉन के पास सीडी प्लेयर है। सिया उसे कहती है कि मैंने तुम्हें जो कैसेट दी थी इसे तुम इग्नोर कर देना, इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचो मत। रॉन के हेडफोन थे तो ये बात वो सुन नहीं पाया। और फिर से हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है और अभी अभी रॉन को इस कैसेट के बारे में पता चला है। हवा ढूंढ कर अपने कैसेट प्लेयर को ढूंढ ही लेता है। इसमें सिया का मैसेज था जिसमें उसने कहा था कि उसकी फ्रेंडशिप को बहुत ही वैल्यू करती है, वो लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहती है पर अपने फ्रेंड्स के साथ, वो नए स्कूल में नहीं जाना चाहती, रॉन के साथ ही रहना चाहती है तो एंट्रेंस एग्जाम में खुद से वो फेल हो जाएगी। रॉन को ये सुनकर बहुत पछता होता है, वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं था तो वो फिर से ना पछता है तो इसलिए उसने जॉब छोड़ दिया। अपने ग्रैंड माँ के यहाँ एक बड़ा सा मॉडल उसने डाला, उसने हमेशा से कहा था कि तीनों फ्रेंड्स एक ही बिल्डिंग में रहेंगे तो अब उसने बड़ा सा मॉडल ही क्रिएट किया है जिससे बिजनेस भी होगा और वो फ्री में रह सकता है। वो यहाँ अपने फ्रेंड पॉल के साथ रहता था। सिया अपने एजुकेशन के लिए अमेरिका गई थी, अब इतने साल बाद जब वो वापस आए तो डायरेक्टली रॉन के पास ही आती है। ये दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं और इनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो गई है। इसी एक ब्यूटीफुल से मूवमेंट पर ये मूवी एंड होती है। ये मूवी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।